ये सब बातें क्लास के बाद। अब बताओ। क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सभी को याद है पहले हमने क्या पढ़ा था? बट तो एक क्वेश्चन करके दिखाओगे सब? सभी का ठीक होना चाहिए। चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ। पोल सेक्शन में जाके सब बच्चे आंसर करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? तीन तरह के हमने कोण पढ़े थे। तिर्यक रेखा, अगर तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं के बीच से जाती है। पहला संगत कोण, दूसरा एकांतर कोण, और तीसरा तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों के युग्म। तो आपने देखना है किस तरह से आप कोण तीन को निकाल सकते हो। ठीक जवाब देना है सबने, सबको याद होना चाहिए, और सबको याद होना चाहिए कौन कौन से कोण बराबर होते हैं, कौन से कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री आता है। मैम पेज नंबर बोली हूँ। नहीं मैम, आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही है क्या मेरी? क्या यही नहीं आ रही होगी। बोल रहे हो? मैम क्या बोल रहे हो? सी अच्छा जी, थैंक यू पूरी क्लास को बताने के लिए। जो बच्चा अनम्यूट करके आंसर बताएगा ना, उसका एक क्वेश्चन कम हो जाएगा। मतलब अगर मैम, उसने मान लो 5 क्वेश्चन का ठीक आंसर दिया ना, तो उसके 4 ही ठीक माने जाएंगे, मतलब उसको 4 ही स्टार मिलेंगे। जो भी अनम्यूट करेगा वो अपने आप को ना एक कम नंबर पहले ही देके चलना। अभी जैसे जिसने मैम सी बोला ना, वो तो -1 पहले ही करके चलो। हाँ जी, याद होना चाहिए। यहाँ पर तो इतने सारे बच्चे हैं क्लास में, कितनों ने आंसर किया है? मुश्किल से 25 बच्चों ने आंसर किया है। ऐसे कैसे चलेगा? गुड नाइट मैम। जो बच्चे अभी अभी क्लास ज्वाइन किए हैं, मैं 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ। क्वेश्चन को पढ़ो, जो हमने पिछली पिछली क्लास में पढ़ा था वही सब कुछ है। तो इस चीज को पढ़ो और पोल में जाकर आंसर दो। क्लास में जितने बच्चे हैं उतने ही मुझे आंसर्स मिलने चाहिए। आएगा इसका मैं 120 निकाल रही हूँ आपको डिग्री। क्लास से। संजय को मैं क्लास से निकाल रही हूँ। संजय यादव को मैंने क्लास से निकाल दिया, और इसके बाद एंट्री भी नहीं मिलेगी। मैं और यहाँ से वो भी बंद कर रही हूँ। अब खुद से एंट्री भी नहीं मिलेगी बिना मेरी परमिशन के। मैम और किसने अनम्यूट करना है अपने आप को बताओ? हाँ जी, अभी भी बहुत सारे बच्चे रहते हैं। लास्ट के 10 सेकंड का टाइम मैं और दे रही हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, मुझे बताना है कैसे किया इस क्वेश्चन को। अजय को भी मैं क्लास से निकाल रही हूँ। बार बार आप अनम्यूट कर रहे हो अपने आप को। चलो जी, अब मुझे चैट बॉक्स में ये बताना है कि कैसे किया इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को हल कैसे किया। कैसे पता चला आपको? जो भी ऑप्शन था कैसे पता चला? मुझे नहीं जानना सही उत्तर क्या है, मुझे जानना है कि किया कैसे है। एक ने बोला है संगत कोण, मुझे तो यहाँ पर एक भी युग्म संगत कोण का बनता हुआ नजर ही नहीं आ रहा है। एक, अच्छा चलो ठीक है, सबसे पहले चलो यहीं से शुरू करते हैं। एक बच्चे ने लिखा है कि कोण एक और कोण दो, ये दोनों कोण बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? कौन बताएगा? कौन बताएगा ये दोनों कोण क्यों बराबर हैं? किसी को पता है? वेरी गुड, वेरी गुड। कोण एक बराबर है कोण दो की, क्योंकि ये शीर्ष अभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो अगर एंगल 1 हमें 120 डिग्री दिया गया है, 120 डिग्री दिया गया है, तो एंगल 2 भी 120 डिग्री आएगा, है ना? यही वाला क्वेश्चन है ये। हमने पुरानी क्लास में जो पढ़ा था उसी को हम कर रहे हैं।
इसको आप ध्यान से समझो, अगर अभी क्लास में आए हो तो अब इस क्वेश्चन को समझो, हम हल कर रहे हैं अभी से। तो एंगल वन और एंगल टू बराबर होंगे क्योंकि ये सभी बच्चे चैट बॉक्स में बिल्कुल ठीक लिख रहे हो, क्योंकि ये शीर्ष अभिमुख कोण है। अब बताओ आपको तो लेकिन एंगल तीन निकालना था, आपको वही दो तो थोड़ी मुझे वो निकालना था, वाली बात। आपको तो एंगल तीन निकालना था। अब दो और तीन कौन से कोणों के युग्म बना रहे हैं? दो और तीन कौन से कोणों के युग्म बना रहे हैं? जल्दी से आकृति देखो और बताओ, किसी को पता है? एक तीसरा वाला एकांतरम प्रकार। त्रिकोण त्रिक रेखा के बने एक ही तरफ के कोण। मैम हाँ, अब मैं संगत बता, कोण भी है। मैम संगत कोण दो और तीन संगत कौन दोबारा से हुए? दो और तीन संगत कौन कहाँ से हुए, मुझे ये बताओ। संगत मैम संगत कौन कौन है? नहीं है मैम? पहले तो सब अपने आप को म्यूट पे रखो, चैट बॉक्स में एक बार बताओ। बिल्कुल यू बन रहा है, वक्र रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण, तो क्या होते हैं ये? बराबर होते हैं ना, है ना? दो और तीन भी बराबर होगा ना, ठीक लिख रही हूँ मैं? यस मैम। हाँ, सब बच्चे चैट बॉक्स में वाई लिखो अगर मैं ठीक लिख रही हूँ तो। जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, दो और तीन बराबर होंगे ना, सभी बच्चों को लगता है ना? हाँ, एक ने बस एन बोला है, दो बच्चों ने तीन, तीन ने एन बोला है अब तक। नहीं, तीन को नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है जी? मैम क्योंकि 360 डिग्री का मैम 2 है 120 डिग्री का। क्यों ये? अच्छा, सभी बोल रहे हैं कि बराबर हैं। आपको याद होगा मैंने क्या पढ़ाया था, ये जो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः क्योंकि कोणों के युग्म होते हैं, ये क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। किसी को याद नहीं रहा? मैम हमें याद था। इतना मैम जोर से। हाँ, कुछ एक बच्चों को याद याद था जिन्होंने एन लिखा था, बाकी सब वाई वाई लिखे जा रहे थे। ये बराबर नहीं होंगे, इनको था। हाँ जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। जल्दी से ये अब बताओ तो कि एंगल तीन कितना होगा, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? अब सही वाला ऑप्शन लिखो सब, अब सही वाला ऑप्शन लिखेंगे सब। फिर से बताना। देखो, दो और तीन क्या है? कोण दो और कोण तीन क्या है? तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों के युग्म, और यहाँ पर हमें पी और क्यू समांतर रेखा दी गई है, तो इन दोनों को जोड़ने पर ये दोनों कोण संपूरक होंगे। ये दो बराबर नहीं होंगे, संपूरक होंगे। संपूरक क्या होता है? दो कोण जिनको जोड़ने पर 180 डिग्री। 180 डिग्री हाँ, तो इन दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। एंगल दो आपको पता है 120 डिग्री का है। एंगल तीन कितना आएगा? सही ऑप्शन बताओ, सही ऑप्शन सब बच्चे लिखेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, अब बिल्कुल ठीक लिख रहे हो सब। ऑप्शन बी 60 डिग्री। सभी मैम को, ठीक था। हाँ, जिनका ठीक था वो अपने आप को एक एक स्टार दे लो। जिसने अपने आप को अनम्यूट किया था, अगर उसका उसका वैसे तो ठीक नहीं था, बट अपने आप को वो एक माइनस करके चलेंगे। मैम जिन्होंने अनम्यूट किया था वो अपने आप को एक माइनस करेंगे। वेरी गुड, तो सभी को याद है ना? आगे बढ़े, आगे चलो। यस मैम उसके बाद हमने त्रिभुज पढ़ा था, एक बार थोड़ा सा ही पढ़ा था त्रिभुज, उसको रिवाइज कर लेते हैं। त्रिभुज का हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंदाकृति को त्रिभुज कहते हैं, है ना? तीन भुजाओं से बंदाकृति को त्रिभुज कहते हैं। किसी को याद है त्रिभुज के गुण क्या क्या थे? किसी भी को भी याद है अगर चैट मैम। इसमें बॉक्स। 3 कोण होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं, और मैम तीन करके से अनम्यूट करके पूछना होता तो मैं खुद पूछ लेती, चैट बॉक्स में लिखना है। ऐसा नहीं मैम। माइक बंद कर दूं, वो मैं नहीं चाहती हूँ करना। फिर क्लास में बिल्कुल जो पूछना चाहेगा सच में कुछ वो नहीं पूछ पाएगा, तो मुझे मजबूर मत करो कि मैं आप सभी के माइक्स बंद कर दूं, इसलिए चैट बॉक्स में लिखो। वेरी गुड, जैसे एक बच्चे ने लिखा है बाकी सब भी लिख रहे हैं। वेरी गुड, बिल्कुल यही होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर, ये तो उदाहरण हमने कर लिए थे, ये हम बात कर रहे हैं, तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं। सभी को याद है ना सभी को? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, मैं ज्वाइन सभी हो को गया। याद है। अब जल्दी से एक क्वेश्चन करो, ये रहा क्वेश्चन, बहुत आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। रुको, इसको मैं, आप अपने वहां पर पोल सेक्शन में जाकर दे सकते हो इसका जवाब। और एक चीज और, आप लोगों की इस क्वेश्चन का जवाब तो दो क्योंकि बहुत आसान है,
है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी ने बिल्कुल ठीक जवाब देना है। और एक चीज और, हाँ आप लोगों की अभी कुछ बच्चों की छुट्टियां भी पड़ गई होंगी, है ना, 3 डिस्ट्रिक्ट में, शायद हरियाणा की 3 डिस्ट्रिक्ट में वो पॉल्यूशन की वजह से छुट्टियां पड़ी हुई है, कुछ बच्चों की छुट्टियां पड़ गई होंगी। तो हमने क्या किया, ताकि आप लोग अपना ही छुट्टी वाला टाइम अच्छे से बिता सको, जितने भी आपकी क्लास में डाउट्स होंगे इस वाली क्लास में, अगर आपको कोई भी डाउट पूछना है, आपकी एक अलग से डाउट क्लास रखवा रहे हैं हम, ठीक है, तो यहाँ पर आपको टाइम नजर आ रहा होगा, अभी मैंने एक और पोल लॉन्च कर दिया है, वहां पर आपको जो भी ठीक समय लगता है क्लास लगाने के लिए, जरूरी नहीं है सभी बच्चे लगाएं, जिसको लगता है कि उसे कुछ पूछना है वो उस क्लास में आ सकता है, ठीक है, कुछ भी पूछना है आपने, आपके हिसाब से होगी ये क्लास, जो भी आप पढ़ना चाहते हो, जो भी आप सीखना चाहते हो, जो भी हम पढ़ रहे हैं, अगर आपको क्लास में समझ नहीं आ रहा है उस क्लास में हम रिविजन वगैरह करेंगे, जो भी समय आपको ठीक लगता है उस समय को आप चुन लो, और अगर कोई और समय आप बताना चाहते हो, जब मैं चैट बॉक्स खोलूंगी तो चैट बॉक्स में बता देना, ठीक है, मैम टाइम नहीं आ रहा। ओके पोल में जाकर देखो, पोल में आ रहा होगा। मैम। मैम दोपहर के 5-6 टाइम कर लो। 5:30 से 6:30 तो ऑलरेडी क्लास होती है ना आपकी, मैम 5:30। ये वाली जो क्लासेस हैं ये तो ऐसे ही चलेंगी, इनमें जो हम पढ़ते हैं वो रेगुलरली पढ़ेंगे, बट इन हाँ क्लासेस यस में आपको कुछ समझ में ही यस आता है या आपको दोबारा से पूछना, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है ना, जितना भी पढ़ा है इन क्लासेस में, वो सारा हम क्लास में रिवाइज करेंगे, ताकि आपको सब कुछ पीछे का आप कुछ तो भूलो ना। मैम मेरा क्या 5 हुआ, मैम हाँ कोई और समय अगर कोई कुछ बताना चाहता है चैट बॉक्स में लिख लो, हम बता, अभी मैं चैट बॉक्स खोल दूंगी। अभी इतने सारे बच्चों ने आंसर नहीं किए क्लास में, तो मुझे इतने सारे बच्चे नजर आ रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा अगर आप लोग जवाब ही नहीं दोगे, पता है ना पोल के बेसिस पर सबकी अटेंडेंस भी होती है। अनम्यूट नहीं करो, जो बोलना है चैट बॉक्स में बोलना, मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ, और उस क्वेश्चन का आंसर आप आराम से बाद तक दे सकते हो, बाद क्लास के एंड तक। अब चैट बॉक्स में मुझे बताओ ये कैसे किया, और अगर कोई और वाला टाइम भी सजेस्ट करना चाहता है वो अपना टाइम भी लिख सकता है यहाँ पर। ठीक है, सभी को डी लग रहा है, क्यों, क्योंकि इसकी 3 से ज्यादा भुजाएं हैं, है ना, 3 से ज्यादा भुजाएं हैं, तो इसका सभी का ठीक था, सभी ठीक है, वेरी गुड, सभी का बिल्कुल ठीक था। हाँ अच्छा, अब एक चीज और, जैसे हमने ये भी पढ़ा था पिछली क्लास में, अगर कोई एक त्रिभुज है उसको हम कैसे लिखते हैं, जैसे ये त्रिभुज एबीसी है, इसको मैं कैसे लिखूंगी, त्रिभुज एबीसी, सभी को पता है ना, ये मैं एक बार रिवाइज करा रही हूँ, मान लो ये त्रिभुज पी क्यू आर है, इसको आप कैसे लिखोगे, त्रिभुज पी क्यू आर, अरे ये फ्री फायर लवर के नाम से कौन है, निकलना है क्लास से, हाँ जी चलो, अब ये तो हमने पढ़ लिया, बहुत आसान था सब, अब हम पढ़ेंगे, हाँ अब हम पढ़ेंगे ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल्स, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, ठीक है, त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे कोणों के आधार पर, कैसे, त्रिभुज के 3 प्रकार होंगे, न्यून कोण त्रिभुज, सम कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ये कोण त्रिभुजों के प्रकार पढ़ने से पहले जल्दी से बताओ, न्यून कोण क्या होता है, सम कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, सब बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे, सभी को याद होना चाहिए, न्यून कोण माइक क्या पूरी होते भी हैं, न्यून कोण क्या होते हैं, न्यून कोण, 90 डिग्री से कम हो। मैं निकाल दूंगी क्लास से जिसने भी अनम्यूट किया, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, बिल्कुल ठीक लिख रहे हो, न्यून कोण 90 डिग्री से कम होते हैं, न्यून कोण 90 डिग्री से कम होता है, समकोण 90 डिग्री के बराबर होता है, बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं सभी बच्चे,
बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। अधिक कोण के बीच 5-6, मुझे ज्यादातर अभी 5-6 ही रिप्लाई आए हैं। सभी बच्चे लिखेंगे वेरी गुड वेरी गुड। 90 डिग्री से अधिक होते हैं। तो अगर आप लोगों को ये याद है ना, न्यून कोण क्या होते हैं, समकोण क्या होते हैं, अधिक कोण क्या होते हैं, तो आपको त्रिभुजों के प्रकार भी कोणों के आधार पर आराम से समझ आ जाएंगे। 180 से अधिक नहीं होते, 90 से अधिक, 180 से कम, 90 से नहीं अधिक, 180 से कम। मेहरा, मैं इतना क्लास से निकाल रही हूँ आपको, ये आपके साथ तीसरी बार वार्निंग दी है मैं, और अब मैं एंट्री नहीं दूंगी। चलो अब देखते हैं न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है। अगर किसी त्रिभुज के सभी कोण, इस शब्द पर फोकस करना है, अजय को भी मैं क्लास से निकाल रही हूँ, अजय को भी 3 बार वार्निंग दे दी गई है, 3 बार वार्निंग दे दी गई है म्यूट करने के लिए, लेकिन बार बार शोर करे जा रहे हैं। अब कौन अनम्यूट कर रखा है अपने आप को? चलो इस चीज पर ध्यान देना है कि यदि किसी त्रिभुज पे सभी कोण, सारे के सारे कोण 90 डिग्री से कम है, तो वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो तीनों कोण 90 डिग्री से कम है। तीनों कोण किससे कम होने चाहिए? 90 डिग्री से। तो वो क्या हो जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है। अच्छा, समकोण त्रिभुज से क्या समझे? समकोण त्रिभुज से क्या समझे? क्या होना चाहिए वहां पर? मैम, उसमें एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। वेरी गुड। समकोण में कोण 90 डिग्री के बराबर होगा। अच्छा, कौन अनम्यूट कर रहा है दीदी अपने आप को? हाँ एक कोण 90 डिग्री के बराबर होगा, सिर्फ एक कोण, बाकी दो कोण नहीं देखने। आपने देखा कि एक कोण 90 डिग्री के बराबर है, बस समझ जाओ कि ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। और आप समकोण त्रिभुज को पहचानोगे कैसे? 90 डिग्री का निशान आप सभी को अब तक बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। ये होता है, जहां पर भी आपको ये बना हुआ नजर आए, समझ जाओ 90 डिग्री की बात हो रही है। दो भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। भले ये दोनों तो फिर 90 डिग्री से छोटे ही होंगे, है ना? बस आपने एक कोण देखना है, एक अगर 90 डिग्री के बराबर है उसे समकोण कहेंगे। अगर एक कोण की माप 90 डिग्री से अधिक है तो वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है, न्यून कोण में हमने बोला था कि तीनों कोणों की माप 90 डिग्री से कम हो तभी न्यून कोण होगा, तीनों कोणों की माप। बट अधिक कोण में क्या होगा? एक कोण की माप 90 डिग्री से अधिक होगी। क्यों होगी? क्योंकि देखो, कोई भी एक कोण 90 डिग्री से अधिक लिया, मान लो 100 डिग्री का लिया, अब इसमें अगर दो कोण मैंने अधिक कोण ले लिए तो ये तो 200 डिग्री का बन गया ना त्रिभुज। बट क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि सिर्फ एक कोण अगर 90 डिग्री से अधिक है तो वो अधिक कोण कहलाएगा। अब मुझे ये बताओ, इस वाले त्रिभुज में किस कोण की वजह से ये अधिक कोण त्रिभुज बना? किस कोण की वजह से? किसने अनम्यूट करके बोला? आपको पता है ना चैट बॉक्स कहाँ पर है? वहां जाकर टाइप करो। बिल्कुल ठीक, सभी बच्चे जैसे लिख रहे हैं आप भी वैसे करो। आवाज एंगल नहीं आ रही। सी, एंगल सी 90 डिग्री। किसको मेरी आवाज नहीं आ रही है? किसको नहीं आ रही है? ओके वेरी गुड। सी, क्योंकि ये 90 डिग्री से बड़ा है। तो एक क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो? करोगे एक क्वेश्चन? सभी हाँ रेडी हैं? सबको समझ आ गया ना यहाँ तक? न्यून कोण जिसमें तीन न्यून कोण त्रिभुज जिसमें तीनों कोण 90 डिग्री से कम होंगे, समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री के बराबर होगा, अधिक कोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा। सभी बच्चे यस लिख रहे हैं, तो एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे सभी, और ये सभी का ठीक होना चाहिए। अभी आपने पोल में जाना है और करना है आप सभी ने
नंबर, कौन सा क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 47, 47 का करना है आपने, जाओ जाकर आंसर करो। सभी बच्चे बिल्कुल ठीक ठीक आंसर देंगे, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ये सभी को बिल्कुल ठीक पता होना चाहिए। वेरी गुड, अब तक सभी का बिल्कुल ठीक आ रहा है। पोल में देना है। अच्छा हाँ, पोल में देना होता है बेटा आंसर, और कहाँ देते हैं। हाँ, अभी भी आधी क्लास के वोट्स आए हैं, तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, तो देखते ही समझ आना चाहिए सबको। समकोण त्रिभुज पूछा गया, समकोण त्रिभुज के लिए तो सीधा सीधा आपने क्या देखना है, सभी बच्चों को पता होना चाहिए, एक निशान देखना होता है। हिंट भी दे दिया मैंने क्वेश्चन का। अब जाकर क्या करना है, नीचे तीन बिंदु जिनको अभी भी नहीं पता है पोल सेक्शन में कैसे आंसर करते हैं, एक बार मैं बता देती हूँ आपको। क्या कहना है किसी को अनम्यूट करके, अभी चुप रहो, जरा मैं बता रही हूँ कुछ। देखो, आपको वहां पर अपने माइक के बराबर में एक हाथ का निशान नजर आ रहा होगा, उस हाथ के बराबर में तीन बिंदु नजर आ रहे होंगे, है ना। उन तीन बिंदु पर जाओ, वहां पर जाकर आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन नजर आएगा, जहां से आप मैसेज भी टाइप करते हो, है ना, जहां से आप मैसेज भी टाइप करते हो, कमेंट में जो भी लिखते हो, वहीं पे नीचे एक्टिविटीज का ऑप्शन रहेगा सबसे नीचे। वहां पर जाओगे, पोल्स में जाओगे, पोल वन एक्टिव में जाओगे, वहां से आपको पता चल जाएगा खुद ही कैसे आंसर करना है। अच्छा, सही आंसर चुनने के बाद नीचे वोट पर क्लिक किया करो, जब वो नीले से ऐसे ग्रे से कलर का हो जाएगा ना, मैम वोट पे तब समझना है कि हाँ, वोट पर क्लिक जरूर करना है। ठीक से मैम डी ठीक से जिसने अनम्यूट किया वो अपने आप का एक नंबर कम कर लो नेगेटिव में। अमित ने अनम्यूट किया था, तो अमित के अगर 5 ठीक होंगे तो उसको सिर्फ 4 स्टार्स काउंट होंगे। अब यही चलेगा मेरी क्लास में। जब तक वो नीचे वोट पर सबने क्लिक करना है, मुझे लग रहा है या तो आप वोट पर क्लिक नहीं करते हो इसलिए मेरे पास आंसर नहीं आता है। वोट पर जरूर क्लिक करना है, वो ब्लू कलर का होगा, जब आप वोट पर क्लिक करोगे तो ब्लू रंग से हट जाएगा। हाँ, अब मुझे चैट में बताना है कि कैसे किया इस क्वेश्चन को सॉल्व आपने, कैसे किया इस क्वेश्चन को। कैसे पता चला कौन सा समकोण त्रिभुज है, नहीं जानना है मुझे कि डी है सी है, कैसे पता चला। मैम अच्छा, वेरी गुड। एक कुछ बच्चे जो लिख रहे हैं, वेरी गुड। देखो, कुछ बच्चों ने कितने अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी है कि समकोण का निशान है ऐसे आयत जैसा या चकोर होता है, उस निशान से पता चल जाता है एक कोण 90 डिग्री का होता है। देखो कितने अच्छे से चैट बॉक्स में एग्जाम्पल, वो कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसमें समकोण का निशान है एक कोण 90 डिग्री का है, बिल्कुल ठीक। जिन्होंने जिन्होंने कई सारे डी डी लिखने में एनर्जी वेस्ट करी है, वो इतनी एनर्जी अगर इतने अच्छे से, जैसे बाकी सब बच्चों ने इतने अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिए, वो भी अगर ऐसे लिखते। हाँ, 90 डिग्री का निशान है, वेरी गुड। सभी बच्चे बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, तो इसलिए इसका आंसर डी होगा। चलो, ये है डी। अब मुझे आप ना बी और सी के बारे में बता दो, ये कौन से त्रिभुज है, बी कौन सा त्रिभुज होगा। मैम जी है ना, बड़े बड़े वो आंसर भेजे मैम हमारे सीखने पे, फिर वो रुकावट करते हैं। अच्छा ठीक है, जो अभी कई सारे बड़े बड़े मैसेजेस करेगा इसको मैं क्लास से निकाल दूंगी, किसने किए हुए हैं ये।
गुल्लू का नाम से कौन है? गोलू के नाम से। जो भी अब बड़े मैसेज भी करेगा उसको भी क्लास से निकाल दूंगी मैं, बाकी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। वेरी गुड वेरी गुड। देखो कितने अच्छे से ऐसे लिखने हैं आंसर जैसे बाकी सब बच्चे लिख रहे हैं। ये होता है यू चैट बॉक्स का। वेरी गुड। देखो एक ही उसमें लिख दिया है। वेरी गुड, सभी को पता है। अच्छा अब कोई और भी आया है? ठीक है, जिसने भी ये चैट बॉक्स में ज्यादा ज्यादा मैसेजेस लिखने की कोशिश करी उसे मैं क्लास से निकालती हूँ। सभी बच्चे बिल्कुल ठीक जवाब दे रहे हैं। हाँ सबको पता है। बी सभी बच्चे लिख रहे हैं अधिक कौन त्रिभुज, और ये क्या है न्यून कोण त्रिभुज। सभी को पता चल गया। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करो अब जल्दी से। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। एक मिनट में चैट बॉक्स अब बंद कर रही हूँ। पोल सेक्शन में जाना है सबने और क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर करना है। ठीक है हाँ जी। क्वेश्चन बहुत आसान है, ऑप्शंस भी बहुत आसान है, सबको देखते ही पता चल गया होगा। चार आंसर भी मेरे पास आ चुके हैं। तीनों कोणों को देखना है। जल्दी जल्दी सब बच्चे आंसर करेंगे। सभी को पता चल गया ना। थ्री डॉट्स पर जाना है, फिर वहां पर एक्टिविटीज का ऑप्शन होगा, वहां से आपने पोल्स पर जाना है। पोल्स वन एक्टिव लिखा हुआ होगा। वहां जाकर ब्लू वाला जो बटन है अपना ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद उस ब्लू वाले बटन को दबाना ना भूलें, वोट करना ना भूलें। हाँ जी अभी भी आधी क्लास के आंसर्स नहीं आए हैं और इसमें भी कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं। आठ मैम, बच्चों का आवाज गलत नहीं है, आ रही है आपकी। आठ बच्चों का अभी भी गलत आंसर है। आप मुझे आंसर, और पता है सबको सही वाला आंसर पता होता है, बट आप पोल सेक्शन में जाते जाते गलत आंसर को चूज कर लेते हो। इतना जल्दी भी नहीं करना है आपको। मैं आराम से 1 मिनट के लगभग टाइम देती हूँ ठीक वाला आंसर चुनने के लिए। हाँ जी बाकी जो बच्चे क्लास में वो कब तक जाकर वोट करेंगे? ऐसे कैसे चलेगा अगर आप लोग आंसर भी नहीं दोगे? आपकी तो एब्सेंट लगती जाएगी, फिर आपका क्लास में होना ना होना बराबर है। चलो पोल सेक्शन में बताओ कैसे किया क्वेश्चन को। कैसे किया? वेरी गुड। तीन कोण तीनों कोण जो है वो 90 डिग्री से कम है। तीनों कोण 90 डिग्री से कम आपको नजर आ रहे हैं तो सीधी सी बात है न्यून कोण त्रिभुज होगा, क्योंकि तीनों कोण 90 डिग्री से कम है। शाबाश शाबाश। अच्छा ये बताना आप लोग, ये जो मैंने त्रिभुज बनाया है यहाँ पे, ये कौन सा त्रिभुज हुआ? मैम, पोल सेक्शन में है ना हमारा क्वेश्चन, हम जब क्लिक करते हैं तो आ नहीं रहा। एक्टिविटीज पर मतलब क्वेश्चन नजर आ रहा है वहां पर? पोल में जाने का ऑप्शन है जी, यस मैम, बट आप क्लिक नहीं कर पा रहे हो। पहले तो नहीं आंसर कर दिया था कहीं आपने?
नो अच्छा चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी ट्राई करना, फिर बताना अगर नहीं होता है तो, ठीक है? और अपना आंसर चैट बॉक्स में लिख दो, मैं चैट बॉक्स में देख लूंगी। अधिक कोण है क्योंकि 90 डिग्री से ज्यादा है एक कोण। वेरी गुड वेरी गुड। एक कोण जो है वो 120 डिग्री का है, इसकी वजह से ये अधिक कोण है। वेरी गुड। चलो सभी को क्लियर है ना ये यहाँ तक? आगे यस बढ़े, मैम, आगे बढ़ते हैं। चलो अब हमने कोणों के यस आधार पर पढ़ लिया है, अब भुजाओं के आधार पर पढ़ते हैं। जल्दी से बताओ त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती है? तीन कितनी मैम। भुजाएं होती है? 3 भुजाएं होती हैं। शाबाश, 3 भुजाएं होती है। उनको उनके आधार पर कैसे बांटा जाता है? ये नाम है यहाँ पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। डिटेल में पढ़ेंगे बट इतना याद रखना है कि जिस तरह कोणों के आधार पर 3 प्रकार में बांटते हैं, उसी तरह भुजाओं के आधार पर भी 3 प्रकार में बांटेंगे। तो अगर किसी भी त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर मापती है, देखो कुछ याद नहीं करना है। सम का मतलब क्या हुआ? समान। बाहु का मतलब क्या हुआ? भुजाएं। ठीक है, जिसकी समान भुजाएं हो सारी, जिसकी सारी भुजाएं मतलब तीनों की तीनों भुजाएं बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, जैसे अगर मान लो ये 5 सेंटीमीटर की है भुजा, तो ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी। एक भुजा है AC, एक भुजा है AB, एक भुजा है BC। तीनों कितने कितने सेंटीमीटर की? 5 5 सेंटीमीटर की होंगी। ठीक है, और इसका जो अरे एक कोण होगा, जो इसके तीनों कोण होंगे वो तीनों कोण ही 60 60 डिग्री के होंगे। ठीक है, सभी मैम, बच्चों ने ये नोट भी करना है, नोट भी करना है सबने, यस कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है और तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं। जो अनम्यूट करके खांस रहा है उसको मैंने क्लास से निकाल दिया है। अपने माइक को छेड़ना ही नहीं है, उसे बंद पे रहने दो। कितनी बार समझाया जाएगा आपको? दो। अच्छा अभी बाकी आगे साथ में पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे, इतना जल्दी नहीं करो। चलो समबाहु सबको समझ आ गया। अब देखो अगर समबाहु समझ आ गया तो समद्विबाहु भी समझ में आ जाएगा। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजाएं। जिसकी दो भुजाएं समान हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कह देते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मान लो ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर है, ये भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो ये 5 नहीं होगी, 4 हो सकती है, इससे अलग होगी, तो इसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, अगर दो भुजाएं बराबर हैं, अब इसको सभी ने बिल्कुल ध्यान से सुनना है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में जो दो भुजाएं बराबर होंगी, अब यहाँ पे बताओ कौन कौन सी दो भुजाएं बराबर हैं? मैं आपको दोबारा दिखा दूंगी, जो आप परिभाषा लिख रहे थे ना क्लास के एंड में, दोबारा से दिखा दूंगी जो स्लाइड रह गई है। ए ए तो उसकी माप है। वेरी गुड, सिर्फ एक बच्चे ने ठीक लिखा है। ए सी ऐसे लिखते हैं नाम, ए तो उसकी माप दी गई है बच्चों। ए सी ए बी, ए सी है भुजा, ए बी है, ये दोनों बराबर हैं, भुजाओं को ऐसे लिखते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो करना क्या है, ए सी के सामने वाला जो कोण है वो बराबर होगा जो ए बी के सामने वाला कोण है। जो जो बराबर वाली भुजाएं है ना, उनके सामने वाले जो कोण होंगे वो आपस में बराबर होंगे। जैसे मान लो ये है कोण ए, ये है कोण दो, तो ए सी के सामने वाला कोण है ना कोण दो, तो कोण दो बराबर होगा कोण एक के। इसमें दो भुजाएं बराबर होंगी तो दो कोण भी बराबर होंगे। अब आप लोग मुझे बताओगे, मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बना रही हूँ, अरे एक मिनट रुकना,
दोबारा से मैं से बनाती हूँ, ठीक है, पी क्यू आर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मान लो ये पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, क्यू आर भी 5 सेंटीमीटर है, और पी आर 6 सेंटीमीटर है ना। अब क्या करना है, कोण एक, कोण दो, कोण तीन, अब बताओ इसमें। ओके कोई बात नहीं बेटा, रेस्ट करो, नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना आपको कुछ समझ में आए तो, ठीक है। कोण एक, कोण दो, कोण तीन, इसमें कौन कौन से कोण बराबर होंगे ये बताना है आपको। जैसे मैंने बताया था ना, बराबर वाली भुजाएं देखो, उनके सामने सामने वाले कोण देखो, बताओ। मैम जी फिर से पूछना। देखो जो पहले, इनमें कौन कौन से कोण बराबर होंगे, पहले देखो भुजाएं कौन सी बराबर है त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में बराबर भुजाएं, बराबर भुजाएं तो आपने देख ही ली होंगी, पी क्यू बराबर है क्यू आर के। अब देखना है, अब ये आपको ये बताना है कि कौन से कोण बराबर होंगे। कुछ एक और दो बोल रहे हैं, एक दो, अच्छा चलो देख लेते हैं। हमें ये पता है, कुछ बच्चे ठीक लिख रहे हैं, ज्यादातर ठीक लिख रहे हैं, पी क्यू और क्यू आर बराबर है, हमें ये पता है। और हमें ये भी पता है कि जो बराबर भुजाएं होती है उनके सामने वाले कोण बराबर होते हैं। पी क्यू के सामने कौन कौन सा कोण है, पी याद का पढ़ लिया। क्यू के सामने कौन सा कोण है, कोण आर, कोण आर बराबर हो जाएगा, देखो कोण आर बराबर हो जाएगा। अब जल्दी से क्यू आर के सामने कौन सा कोण है, ऐसे देखना है आपने। कोण एक, तो कोण, कोण तीन हमने नंबर दिए थे ना, तो कोण तीन बराबर है कोण एक के, या आप लिखना चाहो कोण आर बराबर हो जाएगा कोण पी के, ठीक है। सभी सभी को समझ आया ना, अब ये चैट बॉक्स में वाई लिखो, अगर सबको पता चला हम कैसे देखते हैं बराबर वाले कोण कौन से होंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलो अब समद्वि बाहु हो गया। विषम बाहु आपको क्या लगता है कौन सा हो सकता है, विषम बाहु, समबाहु में हमने पढ़ा तीनों भुजाएं बराबर, समद्वि बाहु में हमने पढ़ा दो भुजाएं बराबर, तो विषम बाहु में क्या हो सकता है, विषम क्या लगता है आपको नाम से, पहले आप बताओ फिर मैं बताऊंगी। चैट मैम जिसकी कोई भी भुजा बॉक्स, समान चैट नहीं बॉक्स, होती। चैट बॉक्स, चैट बॉक्स, सारी भुजा अलग। हाँ लोकेश के नाम से जो है इतना चैट में लिखोगे तो मैं क्लास से निकाल दूंगी। वेरी गुड, सभी को पहले से ही पता है, सभी नाम को देखकर आराम से पहचान गए, जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी, मतलब तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं, उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे, है ना। अब ये बताओ विषम बाहु त्रिभुज में कौन कौन सी, कितने कोण बराबर होंगे, कितने कोण बराबर होंगे, माने ये लास्ट वार्निंग है, अब मैं आपको क्लास में मैम इंट्रोड्यूस, आपकी आवाज नहीं आ रही। बाकी सबको मेरी आ रही है। शंकर पिछली क्लास में भी तुम्हारा बर्थडे था, वो सेलिब्रेट करते हो क्या बर्थडे, जो पढ़ रहे हो ना पढ़ने दो, एक भी कोण बराबर नहीं होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, तो सबको समझ आया, क्वेश्चन करने के लिए रेडी, क्वेश्चन के लिए सब रेडी, सब बिल्कुल ठीक आंसर देंगे, ठीक है। चलो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ, पोल में जाकर देना है आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 49, चलो इसे कैसे गलत कर सकते हो, तीन चार पांच बच्चों ने ये आंसर भी गलत किया है, कैसे
चैट बॉक्स में तो आप सब वाय वाय लिख रहे थे, सबको बिल्कुल ठीक समझ आ रहा था, सारे बिल्कुल ठीक आंसर लिख रहे थे। अभी सोच समझ के आंसर दो, 7 बच्चे हो गए गलत आंसर देने वाले। मुझे 100% रिजल्ट चाहिए, एक एक बच्चे का बिल्कुल ठीक आंसर चाहिए मुझे, सबके एंड में सारे स्टार्स होने चाहिए जितने क्वेश्चन हमने क्लास में किए हैं। चलो जी बताओ चैट बॉक्स में कैसे किया क्वेश्चन। कैसे किया क्वेश्चन ये वाला चैट बॉक्स में बताना है। वेरी गुड वेरी गुड। कुछ एक ही बच्चे हैं जो लिखते हैं रीजन, दो भुजाएं बराबर हैं समद्विबाहु त्रिभुज, दो भुजाएं बराबर समद्विबाहु त्रिभुज। अब ये बताओ किस जिसका गलत हुआ था उन्हें सही आंसर पता था और उन्होंने ऑप्शन ठीक चुना, ऑप्शन गलत चुना था, ये उनको सच में नहीं पता था, या गलती से उनसे वो आंसर चुना गया, या आपने क्वेश्चन को सही से नहीं देखा गलती से। हाँ ये गलती नहीं करनी है, मुझे लगता है कि फिर जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है। AC इज इक्वल टू AB। वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे मुझे अच्छे अच्छे जवाब चाहिए चैट बॉक्स में। चलो कोण भी बता दो, कौन कौन से कोण इसमें बराबर होंगे। वेरी गुड। हाँ गलती से लगे उस, नेक्स्ट टाइम से गलती नहीं करनी है। एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल बी के। वेरी गुड। चलो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो सभी ने बिल्कुल ठीक जवाब देना है, एक भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है कौन सा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 50। क्या अमित क्यों आप बार बार माइक को अनम्यूट करते हो, क्यों जब मना किया जाता है समझ नहीं आता है। कुछ एक बच्चे हैं जिनके क्लास में जो जानबूझ के माइक को अनम्यूट करते हैं। जो सच में डाउट पूछने के लिए अनम्यूट करते हैं उनको कभी डांट नहीं पड़ी है क्लास में अनम्यूट करने के लिए, लेकिन जो शोर मचाने के लिए करते हैं उनको क्लास से निकाल दिया जाता है। और इतना मुझे पता है कौन शोर मचाता है और कौन सच में डाउट पूछने के लिए अनम्यूट करता है। ये भी 4 बच्चों का गलत है, आप लोग ऑप्शन को देखकर चुना करो। चलो चैट बॉक्स में बताओ कैसे किया क्वेश्चन, और मैं पोल सेक्शन को बंद कर रही हूँ। कर दूँ बंद, सभी ने आंसर कर दिया ना। हाँ जी चलो, तीनों भुजाएं बराबर, सिर्फ एक लड़का है जो सबसे पहले लिखता है रीजन, तीनों भुजाएं बराबर अपने ऑप्शन के साथ। अब मुझे ऑप्शन तो मुझे आप पोल में बता देते हो, AC बराबर है AB बराबर है BC, AC बराबर है AB बराबर है BC, तीनों भुजाएं बराबर हैं इसलिए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, सी ऑप्शन ठीक होगा। अब ये बताओ तीनों कोण कितने होंगे, कितने डिग्री के होंगे तीनों कोण, याद है किसी को। अच्छा एक ने 90 डिग्री भी लिखा है। डिग्री के होंगे तीनों के तीनों कोण, अरे 180 डिग्री तो इनका योग आएगा, बट तीनों कोण तो 60 डिग्री के होंगे, इनको तीनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। बट अगर हम अलग अलग बात करें, एंगल ए एंगल बी एंगल सी तीनों 60 डिग्री के होंगे। चलो ये सभी ने सही जवाब दिया है, अगला क्वेश्चन करेंगे, और इसमें किसी ने भी गलत ऑप्शन नहीं चुनना है, प्लीज प्लीज बोल रही हूँ मैं।
एक मिनट रुको, अभी बस पोल में आपका आंसर लॉन्च कर रही हूँ मैं, थोड़ा टाइम ले रहा है। हाँ, देखो अब आप आंसर कर पा रहे हो वहां पर। गए बर्थडे क्या हुआ? झूठ झूठ हैप्पी बर्थडे मना रहे हो अपना। अच्छा चैट बॉक्स खुला हुआ, चैट बॉक्स में बंद कर रहे हो। अरे भाई, दो बच्चों का गलत है। मैम जी, क्वेश्चन तोलिया। हाँ जी, नहीं ये क्वेश्चन नहीं हुआ था, ध्यान से देखो बुझाओं को, ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, बुझाओं को ध्यान से देखो। सॉरी मैम। चलो चलो, चैट बॉक्स में बताना है मुझे कैसे किया क्वेश्चन। वैसे तो सभी ने बिल्कुल ठीक किया है, जो बच्चों ने मुझे पता है गलत आंसर को चुना है, उन्होंने गलती से चुना है सभी को, क्योंकि पता है ना। चलो, कौन सा ट्रायंगल दिखाया गया है? तीनों भुजाएं, तीनों भुजाएं कहाँ है बराबर? सारी भुजाएं अलग-अलग है, एक में भी। अजय, कितनी बार निकलना है क्लास से? सारी भुजा अलग अलग है इसलिए ये विषम बाहु त्रिभुज है, इसलिए ऑप्शन ए इसका ठीक होगा। चलो बताओ क्या क्या पढ़ा आज हमने। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? त्रिभुज के गुण पढ़े, तीन भुजाएं, तीन शीर्ष और तीन कोण होते हैं। फिर त्रिभुज को कोणों के आधार पर बांटा है ना, कोणों के आधार पर बांटा ना, कौन कौन से कोण के आधार पर तीन तरह के त्रिभुज बनते हैं? न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और सम कोण त्रिभुज है ना। अरे देखो, दिखा तो लीजिए। अच्छा ये बताओ, ये तो मैंने बता दिया कोणों के आधार पर कैसे बांटते हैं, अब ये बताना है भुजाओं के आधार पर कौन कौन से वो होते हैं। राजू राजू के नाम से कौन है? मैं क्लास से निकाल दूंगी। राजू नाम के इसने क्या लिंक भेजा है? नहीं, इग्नोर करो ऐसे। कहाँ बाय, अभी होमवर्क नहीं नोट करना क्या? होमवर्क नोट करो, और होमवर्क सभी बच्चे करेंगे, आपको पता है ना। अवंती की टीम से भी कोई भी चेक करने के लिए आ सकता है, मैं भी कभी भी बोल सकती हूँ। कभी हम, हो सकता है एक क्लास आपकी ऐसी ही रखें जिसमें आपको होमवर्क ही नोट, होमवर्क ही चेक करूं मैं एक एक बच्चे का। मैम, अवंती के बुक में होमवर्क कर ले ओनली। हाँ, अगर आपके पास बुक है अवंती की नींव वाली तो आप उसमें होमवर्क करो। अभी रुको, मेरी स्क्रीन आपको शो होएगी, अभी तक नहीं हुई है ना, रुको जरा, बस एक मिनट रुको। हाँ, कुछ बच्चों ने अभी तक होम में क्या क्या पढ़ा है वो भी लिख दिया है, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज। हाँ जी, मैम जी, जो मेरा वो मीट का वो है ना मैम जी, वो मेरा स्टूपिड हो रहा है मैम। मतलब बार बार रुक रहा है, क्यों, नहीं ऐसा क्यों हो रहा है? पता मैम। मतलब आप बार बार क्लास से कट हो रही हो, इसे 14.1 का स्क्रीनशॉट ले लो सब, ठीक है? और सभी ने होमवर्क करना है, सभी ने। मैं किसी की भी कल ऐसे रैंडमली किसी की भी नोटबुक देख लूंगी, किसी की भी, जब मैं नाम पूछती हूँ ना किसी का भी कैमरा ऑन करा के, और जिसने कैमरा ऑन नहीं करा उसका मतलब ये कि उसने होमवर्क नहीं किया हुआ है। होमवर्क तो आपको अपनी मर्जी से, मतलब इतनी अच्छी की